ये दौलताबाद की बस्ती है और ये हमारे शिवू भाई यहाँ के सरपंच है और अल्लाह के फजल करम से पूरे दौलताबाद में इतनी बारिश में घरों पर घूमकर मालेगांव का जो काढ़ा है वो बांटा जा रहा है अल्लाह के फजल करम से और आगे भी बांटा जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम से यूसुफ मुकाती साहब जो हमारा ग्रुप है नरगिस जावेद ग्रुप, इनकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह दौलताबाद की ये जो बस्ती है मोमिनपुरा और ये जो इसके बाजू में एक बस्ती है ये छोटी मंडी बोलकर है, तो यहाँ पर भी मंसूरा का जो ओरिजिनल काढ़ा है ये फ्री में बांटा जा रहा है और अल्लाह के फजलो करम से यहाँ के ये उप सरपंच है शेरू भाई, ये भी हमारा पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। शेरू भाई, यहाँ की बस्ती में काढ़ा बढ़ गया है बहुत अच्छा सर, और अभी भी यहाँ इंशाल्लाह इससे आगे और भी जो इलाके हैं यहाँ पर भी बांटना चालू है। सर बुला लो छोकरों को, और ये जो आगे जो लोग खड़े हो जाएंगे उनको बुला लो, ये कल भी आएंगे कल पर जो तीन दिन तक है भी ये भी तो कुछ होता नहीं, मेरे असर नहीं होता, मेरे ये तो कुछ होता नहीं। ले करते आओ ये दो नहीं तो चाय के जैसा ही थोड़ा ठंडा हो जाएगा और आज बनी हुई चाय नहीं पीना, दूध का बने हुआ नहीं एक ही नहीं कुछ नहीं होता वहाँ से और जो बुजुर्ग को पहले पिलाओ बैठ के पी बेटा, थोड़ा ठंडा होने दे। लो पानी का, अरे भाई वो उसको जो है ना आपके हाथ रखो हाथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजलो करम से कि जो काढ़ा मालेगांव वालों ने निकाले अल्लाह के फजलो करम से वो पूरी दुनिया में चढ़ रहा है और उस काढ़े से इतना फ़ायदा हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह के कोरोना जैसी बीमारी से लड़ा जा रहा है, तो इसी के चलते हमारे जो औरंगाबाद शहर के यूसुफ मुकाती साहब जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये अजाइम करे है कि औरंगाबाद शहर में के अलावा भी और जितनी भी गरीब बस्तियां हैं औरंगाबाद में भी के लाखों लोगों को वो कोरोना का काढ़ा फ्री में मुफ्त में पिला रहे और पिलाना अभी भी चालू है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उनकी मुलाकात हुई, हमारा नरगिस जावेद ग्रुप और यूसुफ मुकाती साहब का ग्रुप ये मिलकर जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं और उनके अलावा भी जो लोग हैं सबको फ्री में काढ़ा पिलाया जा रहा है। चल भाई एक काम करो, किस्ती ले रहा है वो हजार है देंगे ना, थोड़े पहले पिला दे रहे थे ले लो इलाज लेडीज में क्यों कर बेटा निकाल आए सब ले दो चलो ना वालेकुम अस्सलाम। क्यों गप्पू ठंडा करके भी बहुत खराब है जग ले लो और एक ट्रे ले लो भाई, सुनो ना आप
यहाँ कौन बाकी भी सकते चाय वगैरह वगैरह नहीं भी सकते। ये तीन दिन खरी का कोर्स कभी करे तो उसका असर खत्म हो जाए। ये भी ऐसा कुछ भी नहीं है। और गर्म करने का ना मैडम तो बहुत मारो ना कहा कि देखो सलीम भाई भेजने का दरखास्त होगा दादा उधर बुखार में सलीम आपने शाहरुख साहब को हाँ बोल दो उनको समझा नहीं आप दूध की चाय नहीं पीना हाँ दूध का आइटम गरम से भाई एक काम खाली ऐसा रखो तुम बस दबा गरम से ना लबड़ा अंदर गरम पड़ो अभी बस अभी होगा बाद में बन जाता और इसी अभी चल रहा चल पकड़ के रखो उसको गिर रहा है बहुत गिर रहा है अरे यार ये पे हो जा रहा नहीं लो निकालो कैसा है टेस्टी है कि नहीं इधर हाँ लाइक भाई अपने शेरू भाई अरे आम फरान बेटे सब पी मिल के पियो ये दिन में से कोई टाइमिंग है कि इसका एक ही टाइम है एक दिन में एक बार पीना है फिर कल भी पीना है तीन दिन लगातार तीन दिन लगातार पीना है तीन दिन यही अस्सलामुअलैकुम अल्लाह के फजल करम से ये दौलताबाद की बस्ती है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे जो शेरू भाई जो उप सरपंच है तो यहाँ पे हमने पहले तीन बस्तियों के अंदर पूरा जो ये मालेगांव का जो काड़ा ये बांट दिया फ्री में और अभी ये कुरैशी मेले में आए हुए बांटने के लिए और अल्लाह के फजल करम से हमारे शेरू भाई और हमारे औरंगाबाद के जो यूसुफ मुकाती साहब है हम सब ने मिल के एक कसम खाई है कि इंशाल्लाह कोरोना को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा इंशाल्लाह।
और हर मुमकिन कोशिश की जाएंगी इंसानों को कोरोना से बचाने के लिए। ये यहाँ के मुखिया जी है, ये यहाँ के मुखिया जी है इस बस्ती के, ये कुछ बोलना है। हाँ नमस्ते जी, मैं आपको इस औरंगाबाद में से एक 15 किलोमीटर मालीवाड़ा बोलकर एक ग्रामीण भाग है, वहीं पर हम एक आदिवासी लोग जो रहते हैं वो से एक सोनालिका ट्रैक्टर शोरूम है उसी के पीछे द्वारा हम रहते हैं। तो सारी झोपड़ियाँ हैं, कुछ बच्चे हैं, कम से कम हम यहाँ पर 260 लोग हैं। तो हमारे जो जावेद साहब है, हाँ इनको मालिक एक बहुत लंबी उम्र दे, इनका पूरा परिवार को मालो धन और रक्षा करे, इनका धन माल जान का रक्षा करे, यही मैं खुदा से दरख्वास्त करूँगा। और बाकी क्या है, हर वक्त यहाँ पर आकर 4 महीने से जो भी घरेलू चीज़ हैं हमको देते हैं, कुछ खाना वगैरह दिए हैं, कुछ ताड़पटड़ी वगैरह दिए हैं, कुछ सूखा भोजन गेहूँ चावल वगैरह जो भी लगाए उन्होंने यहाँ तक अभी तक दिए हैं। और ये कुछ आयुर्वेदिक मालेगांव से लाया है, ये भी थोड़ा बहुत और उन्होंने कुछ दिए हैं इनके लिए। आप सभी लोग इसका सभी लोग लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी तरफ से यही सब लोगों को कहना है कि मैं भी एक आयुर्वेदिक वाला हूँ, मगर मुझे भी इस आयुर्वेदिक पर बहुत यकीन है। मैं यकीन के साथ आपको सबको कहता हूँ कि सभी लोग इसको पीना चाहिए और इस महामारी के बीमारी से हमें लड़ना चाहिए। हम सब मिलकर लड़ सकते हैं, अकेला कोई नहीं लड़ सकता है। जैसे जावेद साहब लड़ रहे हैं, उनके साथ हमारे एक एफ जफर साहब युवा पीढ़ी के हैं, वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड मेरे को दिख रहे हैं और वो आगे इस सिलसिले को लेके जाएंगे, ऐसा मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ। और बस सभी से यही उम्मीद रखता हूँ कि इस काढ़े को आप सभी लोग विश्वास के साथ यकीन के साथ पी लीजिए। देख अपना पूरा सब खड़े करके गुरु में फिर आगे थोड़ा सोचा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के फजल करम से जब से लॉकडाउन लगा है तब से हमारा लड़की चावेदी को कोरोना का जिला है, पर जरूरतमंदों की मदद कर रहा है और मदद अभी भी चालू है। मैं भी दौलताबाद में मौजूद हूँ, ये हमारे पीआई मैडम है, इन्होंने हमको पूरे लॉकडाउन के अंदर बहुत कोऑपरेट किया है। हमने यहाँ की बस्तियों को टाट पतरी खाना राशन हर चीज़ पहुँचाई, हमारे मैडम ने हमको बहुत कोऑपरेट किया। आपके हिसाब से आप जो बोले तुम्ही सगळे जण जाणतच आहात की मागच्या काही दिवसापासून जवळपास 7-8 महिने झालेले आहेत आपण सर्व कोरोनाशी लढत आहोत आणि ह्या लढतीमध्ये पोलीस प्रशासन आरोग्य सेवा आणि इतर सेवा ह्या शासकीय पातळीवर अत्यंत जोमाने काम करत आहेत, आत्मविश्वासाने काम करत आहेत। मात्र आम्हाला सर्वांना पाठीमागे बॅकअप देणारे हे तुमच्यासारखे ग्रुप आहेत। नर्गिस जावेद ग्रुप यांचा मला बऱ्याचदा फोन आला, यांनी आमच्या दौलताबादमध्ये अगदी मंडीमध्ये बऱ्याच ठिकाणी समाजसेवा केलेली आहे आणि आता तो सगळ्यांसाठी काढा वितरित करत आहेत, की खरंच कौतुकास्पद बाब आहे। आम्ही जरी फ्रंटलाईनला जरी असं काम करत असलो तरी आमच्या बॅकअपला आमचे सर्व मुस्लिम बांधव उभे आहेत, याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे। जय हिंद जय महाराष्ट्र। मोबाईल का तुम्हाला मॅडम, तुमच्या हाताने कर्मचारी देतो ना, मला थोडासा एक व्हिडिओ थोडा आवाज नको करा सब लोग थोडासा जरा शांत। दौलताबाद पोलीस ठाणेमध्ये PI राजेशिडी आरे मॅडम यांच्या हस्ते जे आहेत पोलीस कर्मचाऱ्यांना सर्वांना मालेगावचा काढा वितरित करण्याचा कार्यक्रम आज दौलताबाद इथे घेण्यात आलेला आहे। सर्व आपलं पोलीस बंधू इकडे उभे आहे, आपले उपसरपंच दौलताबादचे शेरू आहे आणि सगळं कार्यक्रम आयोजित करणारे सगळे संघटनाचे लोक इकडे उपस्थित आहे। सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करून सध्या आपले मेन कोरोना योद्धा म्हणजे पोलीस यांची आपण काळजी घ्यावी या हेतूने हा सदैव कार्यक्रम घेण्यात आला आणि आपले दौलताबाद पोलीस ठाण्याचे PI राजेश्री आणे मॅडम यांच्या हस्ते आपण बघत आहे सर्वांना मालेगावचा काढा वितरित करण्यात येत आहे। दबंगवरून परिषद दौलताबाद आतिक भाई फोटो खिचव नाही फरीद खडे तुम खडे।
खाओ खड़े रहना है सब, एक फोटो ले लेंगे सर। हाँ एक न्यूज में दे देना है ना, वो इसको मदद करो ना लाइट की वजह से। ऊपर में एक लाइट दिखा के जो पूरा अंधेरा हो रहा। लाइट नहीं है क्या? दे दो करना, ये मंगा देता हूँ। हमने बोले ना सर, गुज़िश्ता चार महीनों से पूरा हिंदुस्तान जो है तो कोरोना की महामारी से दो चार है, और ऐसे हालात के अंदर महाराष्ट्र के मालेगांव से एक चीज़ ये निकल के आती है कि जड़ी बूटियों को बनाया जाए और हिंदुस्तान के हर घर तक इसको पहुंचाया जाए और किसी तरीके से ये महामारी को ख़त्म किया जाए। इस महामारी के सिलसिले के अंदर औरंगाबाद शहर जो है तो बड़ा फिक्रमंद रहा है, और रोटी बैंक के हमारे जनाब यूसुफ मुकाती साहब और दिगर तमाम पॉलिटिकल लोग हो, नॉन पॉलिटिकल लोग हो, इन्होंने अपने लेवल पर एक काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि ये काम सिटी में सिमट के रह गया है। तो नरगिस जावेद ग्रुप के हमारे जावेद साहब है, ये पिछले चार महीनों से 18 ऐसी बस्तियाँ जो सलम्स जिसको कहा जाएगा, झोपड़पट्टियाँ जिसको कहा जाएगी, ये लोग इसके अंदर जाकर खाना पहुँचाने का काम और जो तो टाट पटरी देने का काम, मतलब जो एक रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ होती है, इन्होंने तमाम लोगों तक पहुँचाने का काम किया। लेकिन जब ये हुआ कि भाई रोज़मर्रा की चीज़ें तो पहुँच चुकी है, लेकिन जड़ी बूटियाँ हैं, दवाइयाँ हैं जो तमाम हिंदुस्तान को आजकल पिलाई जा रही है और जो तो लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, तो क्यों ना झोपड़पट्टी वालों को भी इसका इस्तेफादा हो, इससे फ़ायदा हो। इसी की गर्ज से नरगिस जावेद ग्रुप की जानिब से, रोटी बैंक के जनाब यूसुफ मुकाती साहब की जानिब से और नदीम राणा साहब की जानिब से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर नाम गिनाना चाहूँ तो वक्त भी बहुत लगेगा, इन तमाम लोगों की एक मेहनत ये हुई कि इन्होंने ये कहा कि हम 15 दिन के अंदर औरंगाबाद ज़िले में कम से कम 2 लाख लोगों को काढ़ा पिलाएंगे। बस उसी के सिलसिले में आज ये बस्ती के अंदर हम लोग यहाँ मौजूद है, खिदमत खल्क के अंदाज़ के अंदर के लोगों को यहाँ भी जड़ी बूटियाँ पिलाई जाए, कहीं ना कहीं इंसानियत का एक दर्स जाए और ये लोग ये ना सोचे कि सिर्फ महलात में रहने वाले ही जो है तो दवाइयों से मुस्तफ़िद हो सकते हैं। अगर कोई चीज़ इंसानियत के काम के लिए काम आएगी तो वो हर घर में पहुँचेंगी, वो हर झोपड़ी में पहुँचेंगी। इसी सिलसिले को लेते हुए आज यहाँ पर हम मौजूद हैं, एक बैकग्राउंड सपोर्टर के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक वॉलंटियर के तौर पर मैं MD तैयब जफर जो है तो जावेद साहब से मिला। मैं चलो ठीक है, ये बहुत बेहतर काम है, अपने तमाम कामों को पेंडिंग में डाल के मैं बोला चलो हम आपके साथ चलेंगे। तो मैं नरगिस जावेद ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं जनाब यूसुफ मुकाती साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं जनाब नदीम राणा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं जो तो मालेगांव के उन डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये जो खोज की और पूरी दुनिया को एक दवाई देने का काम किया, मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो लोग काम कर रहे हैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, और ये कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हर घर, हर बस्ती, हर झोपड़ी तक ये दवा पहुँचे।